हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कंप्यूटर केयर। मैं हूं सौरभ। आज मैं बताने वाला हूं विंडोज़ 11 का जो न्यू अपडेट आया है, विंडोज़ 11 22H2, उस बारे में। तो उसका जो इंस्टॉलेशन मैं किया हूं उसी के बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर न्यू ऐड हुए हैं उसी के बारे में बताएंगे। वैसे तो इसमें पूरा पूरी 14 न्यू फीचर्स अपडेट हुए हैं, तो उसी के बारे में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी फीचर्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 22H2 इंस्टॉल्ड है। अभी पहला फीचर्स के बारे में इसका जानेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आइकन चेंज हुआ है जो कि नोटिफिकेशन का है, उसी में बात करेंगे। यहाँ पर ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में भी आपका एक फीचर चेंज हुआ है। आपको जाके सेटिंग में पहले कनेक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन वैसा कुछ नहीं, अब यहाँ एरो टाइप का दिया है। यहाँ जस्ट क्लिक करते हैं, आपका डिवाइस पेयर हो जाएगा और यहाँ कनेक्ट करने का दे दिया जाएगा ऑप्शन। तीसरा बात इसमें आपको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप सर्च में जाते हैं तो यहाँ फीचर्स कुछ ऐड हुए हैं जिसमें यह कहा है रिसेंट आप यूज करते हैं, वो यहाँ दिख जाएंगे और यहाँ ट्रेंडिंग में जो भी सर्चेस रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की का कमांड है, आप इसको यूज करते हैं तो एक यूनिक फीचर्स आपको इसमें देखने मिलेगा। विंडोज प्लस डॉट का जो कीबोर्ड में सिम्बॉल है उस पर प्रेस करते हैं तो आपको इमोजी और GIF यहाँ देखने को मिल जाता है। उसी के बाद हम लोग बात करें, यहाँ एक और फीचर ऐड किया गया है। हम यहाँ मान लीजिए 10 प्रोग्राम किसी तरह का रन करते हैं, ब्राउजर खोल लेते हैं। अभी आपको इसका एक यूनिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। उसके बाद विंडोज प्लस जेड आपको प्रेस करना है। विंडोज जेड प्रेस करते हैं तो आप एक ही स्क्रीन में मल्टीपल विंडो यूज कर सकते हैं, खास करके उनके लिए यह बेहतरीन होगा जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो उनके लिए बहुत खास होने वाला। मैं यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ इस पर क्लिक किया तो इसमें क्या होता है, आप इसमें भी काम कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ 4 को भी ला सकते हैं, 3 को भी ला सकते हैं, 3 विंडो भी, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा विंडो। तो यहाँ मैं अभी फिलहाल विंडोज प्लस जेड प्रेस करके 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ 4 देखेंगे। फिलहाल मेरे में उतना प्रोग्राम खुले नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक में ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ ऐसा दिखेगा, इसमें ऐसा दिखेगा, आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। इसका और एक बेहतरीन फीचर्स के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो कि बहुत यूनिक है, खास करके उनके लिए जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर किसी तरह का काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से बहुत ही बेहतरीन फीचर आया हुआ है जो कि है आपको वीडियो एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं इस तरह का वीडियो एडिटर और आपके पास एप्लीकेशन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत खुशी की बात है और आप इसमें सीख भी सकते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि टेम्पलेट्स भी आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो आइए ये खुल रहा है, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट के लिए आप यूट्यूब के लिए, गेमिंग के लिए, इंस्टाग्राम, सोशल साइट, इस तरह के लिए आप कंटेंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ फ्री में टेम्पलेट मिल जाता है, इंट्रो आउट्रो जो भी आपको बनाना हो। और आप खास बात यह है, आप किसी तरह का एडिटिंग करके अपने एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत से आसान ट्रिक में आपको बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएगा इस वीडियो एडिटर में। तो है ना कमाल का चीज़ दोस्तों। अभी इसका कुछ और भी फीचर्स हैं दोस्तों, उसके बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका 14th फीचर्स जो हैं टोटली कंप्लीट बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए।